हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो करंट अफेयर्स आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मेरे प्यारे साथियों, आज 6 दिसंबर 2018 वार गुरुवार, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया एंड यूएई हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन करेंसी स्वैप। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मुद्रा स्वैप पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, द टू डे कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टनरशिप बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन कमेंसेड इन न्यू दिल्ली। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूरोपीय संघ और भारत के बीच साझेदारी पर 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स एज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन श्री नितिन गडकरी हैज इनोग्रेटेड इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2018 being jointly organized by the National Mission for Clean Ganga NMCG and the Center for Ganga River Basin Management and Studies Sea Ganga in New Delhi। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया है, जिसे नई दिल्ली में स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन NMCG और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र सी गंगा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नेशनल रेल म्यूजियम NRM एंड मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम जॉइंस हैंड्स टुगेदर टू प्रोवाइड एन अमेजिंग कॉम्बो ऑफर टू दिल्ली NCR टूरिस्ट। रेलवे मंत्रालय के नेशनल रेल संग्रहालय NRM और मैडम तुसाद मोम संग्रहालय ने दिल्ली NCR के पर्यटकों को एक अद्भुत कॉम्बो प्रस्ताव प्रदान करने के लिए एक साथ हाथ मिलाए हैं। नेक्स्ट, द जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF हेल्ड ए बायलेटरल एयर एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री 18 विद इंडियन एयर फोर्स एट AF स्टेशन आगरा। द थीम ऑफ एक्सरसाइज इज जॉइंटली मोबिलिटी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HDR ऑन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जापानी वायु सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF ने AF स्टेशन आगरा में भारतीय वायुसेना के साथ एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास सिन्यू मैत्री 18 आयोजित किया। अभ्यास का विषय परिवहन विमान पर संयुक्त गतिशीलता, मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडिया एशियन इनोटेक समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पहला भारत एशियन इनोटेक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और विदेश मामलों के मंत्रालय के सहयोग से फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेटेड द बागीबेल ब्रिज ऑन December 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया के सबसे लंबे ब्रिज को 25 दिसंबर बागीबेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान एवं तकनीकी समाचार। स्पेस एक्स सक्सेसफुली लॉन्च 64 स्मॉल सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग इंडियाज एक्सिस्ट सैट 1 इन द कंपनी लार्जेस्ट इवर रेड शेयर मिशन ऑन ए ट्वाइस रिस्यूज फाल्कन 9 रॉकेट दैट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम ए कैलिफोर्निया लॉन्च पैड। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया लॉन्च पैड से 2 बार पुनः उपयोग किए गए फाल्कन 9 रॉकेट पर कंपनी के सबसे बड़े राइड शेयर मिशन में भारत के एक्सीड
T-1 सहित 64 छोटे उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये एक नया अमेरिकी रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, इंडियाज हैवीएस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट जी सेट 11 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय एन एयर स्पेस रॉकेट फ्रॉम द फ्रेंच गुनियाना। भारत का सबसे भारी, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपग्रह जी सेट 11 फ्रेंच गुयाना से एरियानेस स्पेस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रॉप्ड इन एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट स्वप्ना बर्मन एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स डिजिटल ऐप योनो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल ऐप योनो के लिए एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता स्वप्ना बर्मन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट, रैंकिंग रिपोर्ट्स। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इज द रिचेस्ट इंडियन सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू द 2080 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट विच ही हैज टॉप्ड फॉर द थर्ड कंजुकेटिव ईयर। शाहरुख खान हैज फॉलन आउट द टॉप 10 लिस्ट। 2018 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची के अनुसार बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी है। वो लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक न्यूज, अर्थव्यवस्था समाचार। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज केप्ट द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LF अनचेंज्ड एट 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता समायोजन सुविधा LF के तहत पॉलिसी रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, किताब एवं लेखक। एडमिरल सुनील लांबा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रिलीज्ड ए बुक टाइटल ब्लू वाटर्स अहोय क्रॉनिकलिंग द इंडियाज नेवी हिस्ट्री फ्रॉम 2001 टू 2010। नेवल स्टाफ के चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने 2001 से 2010 तक के भारतीय नौसेना के इतिहास का अभिलेखन करते हुए ब्लू वाटर्स अहोय नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार। गौतम गंभीर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। द 37 ईयर ओल्ड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ऑन सोशल मीडिया। गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल UV कंपटीशन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।